पटना में एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है जो पलक झपकते ही आपकी मेहनत की कमाई को चुरा लेगा। ऐसे ही एक हाई प्रोफाइल गिरोह का खुलासा हुआ है जो राजधानी के बिरला मंदिर रोड के पास सूरज टेक्सटाइल नामक दुकान है। उनके मालिक ने अपने चेक के द्वारा तकरीबन 2 लाख रुपए अपने अकाउंट में जमा करा दिया था और अपने घर चले आए थे। तभी एक शातिर जिसका नाम तौफीक बताया जा रहा है, सूरज टेक्सटाइल का चेक इस शातिर के पास मिला और वो जैसे ही पैसे निकाल रहा था तभी बैंक के द्वारा सुरेंद्र कुमार से ये पूछा गया कि आपके चेक के द्वारा पैसे निकाला जा रहा है। तभी सुरेंद्र कुमार के द्वारा ये बोला गया कि व्यक्ति को रोक कर रखा जाए। जब तौफीक की जांच की गई तो उसके पास से तकरीबन 20 चेक बरामद हुए थे। सभी चेक ग्राहक के थे। इस पूरी घटना के बाद बैंक के मैनेजर पहुंचे और मामले की जांच करने लगी है और कहा कि आखिर शातिर के पास इतने चेक कहां से आए। इसकी जांच होगी और सीसीटीवी को खंगाला जाएगा और बैंक में किसी कर्मचारी की संलिप्तता होगी तो कार्रवाई भी होगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैंक के अंदर से किसके सहयोग से शातिर के पास चेक आया। तो जांच का विषय यह है कि लेकिन यह साफ हो गया है कि एक बड़ा गिरोह है जो लोगों को चूना लगाने का काम कर रहा है। इस पूरे मामले में आरोपी को पीर बोहर पुलिस गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई है। नहीं दिया चेक जो है क्लियरिंग में डाला हुआ है, क्लियरिंग में से कैश कैश कैसे निकलेगा, इसको रोका जाए। इसको रोका गया इंस्टॉलमेंट को। कितना का चेक, कितना का अमाउंट था? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का अमाउंट था। अच्छा, 2 लाख का चेक क्लियरिंग सूरज टेक्सटाइल में मंगवाया गया था। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि बैंक है और ग्राहकों का कहीं ना कहीं चेक है और पहुंच जाना लापरवाही है? बैंक की मिली भगत लग रही है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। कितने चेक बरामद हुए हैं? 40 चेक बरामद हुआ है जिसमें सेल्फ चेक भी है, प्रेम कुमार के भी नाम से भी चेक है। आप लोगों ने कैसे पकड़ा इस आरोपी? बैंक ऑफ इंडिया से। अच्छा, तो आप लोग तब तो आप लोग का अमानत तो। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.